यूपी में नया सर्वे आया है जो बता रहा है कि इस बार योगी जी झोला उठाएंगे और मठ चले जाएंगे। सर्वे में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। यकीन न हो तो देखिए आंकड़े, देखिए जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव का पूरा विश्लेषण। हर एक बारीकी पर करेंगे बात। यूपी में बनती दिख रही है अखिलेश सरकार। यूपी के 403 सीटों पर अखिलेश को मिल रही है बढ़त। सबसे पहले बात पूर्वी यूपी की। बीजेपी को 68 से 70 सीटें मिलती दिख रही हैं, सपा को 81 से 83 सीटें मिलती दिख रही हैं, बसपा के खाते में 4 से 6 सीटें जा रही हैं, कांग्रेस को मिल रही हैं 8 से 10 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 और अन्य को मिल रही हैं 1 से 3 सीटें। अब बात कर लेते हैं पश्चिमी यूपी की। बीजेपी को यहाँ 40 से 42 सीटें मिल रही हैं, सपा के खाते में जा रही हैं 78 से 80 सीटें, बीएसपी के खाते में 5 से 7 सीटें, कांग्रेस को मिल रही हैं 6 से 8 सीटें, आम आदमी पार्टी को 0 सीटें, अन्य को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। अब बात करते हैं मध्य यूपी की। तो बीजेपी को यहां मिलती दिख रही हैं 33 से 35 सीटें, सपा के खाते में 29 से 31 सीटें, मायावती को सिर्फ 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 9 से 11 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 और अन्य को मिल सकती हैं 3 से 5 सीटें। बुंदेलखंड की बात करें तो बीजेपी को 6 से 8 सीटें, सपा को 7 से 9 सीटें, मायावती को 1 से 3 सीटें, कांग्रेस को भी 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 और यहां अन्य को भी कोई सीट नहीं मिल रही है। अभी आंकड़े तो साफ संकेत दे रहे हैं कि अखिलेश की टक्कर में अब कोई रहा ही नहीं। बीजेपी समाजवादी पार्टी के पीछे पीछे चल रही है। ये आंकड़े बीजेपी के लिए चौंकाने वाले हैं। बीजेपी को उम्मीद भी नहीं रही होगी कि जो सरकार उसने बहुमत से 2017 में बनाई थी, अब वही सरकार सपा के हाथों में जाती दिख रही है। सपा ही जीत का परचम लहराती दिख रही है। बीजेपी को इस सर्वे से सबक लेने की जरूरत है, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी को लेने के देने पड़ जाएं। और 4 राज्य जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां के हालात के बारे में भी बात करें तो पंजाब की 117 सीटों में से पंजाब में सबसे आगे कांग्रेस है, खाते में जा रही हैं 71 से 73 सीटें, अकाली दल को मिल रही हैं 16 से 18 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 24 से 26 सीटें और अन्य को मिल रही हैं 1 से 3 सीटें। गोवा की 40 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 12 से 14 सीटें, कांग्रेस के खाते में 18 से 20 सीटें और अन्य के खाते में 7 से 9 सीटें जा रही हैं। मणिपुर में भी साल 2022 में चुनाव है। यहां की 60 सीटों में से बीजेपी को 16 से 18 सीटें, कांग्रेस को 32 से 34 सीटें और अन्य के खाते में जा रही हैं 9 से 11 सीटें। और अब आखिर में बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड की 70 सीटों की। यहाँ बीजेपी के खाते में 26 से 28 सीटें, कांग्रेस को मिल रही हैं 39 से 41 सीटें और अन्य के खाते में जा रही हैं 2 से 4 सीटें। यानी बीजेपी की हालत कहीं पर भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, ना यूपी, ना उत्तराखंड और ना ही कोई अन्य राज्य। इस चुनाव में ना तो मोदी लहर दिख रही है और ना ही मोदी सुनामी। शायद जनता हो चुकी है अब समझदार, समझती है कि कौन छल रहा है और कौन सच में विकास के लिए काम कर रहा है। बीजेपी ने वादे और दावे तो बहुत किए, खूब बड़े बड़े सपने भी दिखाए, लेकिन किया जनता के लिए कुछ भी नहीं। यही वजह है ये आंकड़े जो बीजेपी से मुंह फेर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी की हालत खराब होने वाली है, क्योंकि कुर्सी मिलने वाली है अखिलेश को। इस बार के चुनाव में जीत अखिलेश के कदम चूमती दिख रही है। हालांकि ये भी सर्वे है, अभी चुनाव में कुछ नहीं तो 3 से 4 महीने का वक्त है। देखते हैं इन आंकड़ों में क्या अंतर आता है, बीजेपी खुद के अंक बढ़ाने में आखिर कितनी कामयाब हो पाती है, आखिर इसके लिए वो कौन सी गणित बैठाती है, वैसे कर पाने में बीजेपी कितनी सफल होगी, ये कह पाना अभी नामुमकिन है।